नमस्कार स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल सागर क्लासेस रोहतक में स्वागत है आपका। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम जो हमारी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं आर्मी से संबंधित, आर्मी जीडी, कलरक, एयरफोर्स, वाई ग्रुप, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं उसमें हम प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करवा रहे हैं। तो आओ मिल के करते हैं भाई सागर क्लासेज, सागर क्लासेज रोहतक, अभ्यास प्रश्न पत्र नंबर 7। पहला क्वेश्चन है, नई राजनीतिक पार्टियों का को मान्यता कौन देता है? तो स्टूडेंट्स, नई राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देता है चुनाव आयुक्त। चुनाव आयुक्त जो है नई राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देता है, और चुनाव आयोग का यह प्रमुख होता है। जो चुनाव आयोग है उसका प्रमुख होता है चुनाव आयुक्त, प्रमुख होता है। और चुनाव आयोग की स्थापना बता दें आपको 1950 में की गई थी। नेक्स्ट है संवैधानिक, यह एक संवैधानिक आयोग है। बता दें स्टूडेंट्स, आयोग दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है संवैधानिक आयोग, जिसका संविधान के किसी अनुच्छेद में वर्णन हो वह आपका संवैधानिक आयोग होता है। जिस तरह से चुनाव आयोग का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 324 से 329 में है, भाग 15 में। संविधान के कुल बता दें आपको 22 भाग हैं स्टूडेंट्स, हर एक भाग में अलग अलग बात का वर्णन है। जिस तरह से भाग एक में संघवाद है, भाग दो में नागरिकता के नियम हैं, तीन में मौलिक अधिकार हैं, इस तरह से अलग अलग चीज़ें हैं। तो भाग 15 चुनाव आयोग से ही संबंधित है। नेक्स्ट देखें, इसमें स्टूडेंट्स अनुच्छेद पूछ ले तो 324 से 329 में इसका वर्णन मिलता है। तो चुनाव आयुक्त चुनाव आयोग का प्रमुख होता है। चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में हुई, यह संवैधानिक आयोग है, और भाग 15 में इसका वर्णन है। चुनाव आयुक्त वर्तमान में सुनील अरोड़ा है। वर्तमान में कौन है चुनाव आयुक्त? सुनील अरोड़ा है, और इसका वेतन जो है वो 2.5 लाख रुपए पर मंथ है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और इसका कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष के लिए होता है, या फिर 65 वर्ष का हो जाए, या तो 65 वर्ष का हो जाए, या फिर कार्य इस पद पर नियुक्ति हुई 6 वर्ष हो जाए, कोई एक पहले हो जाए वहाँ तक इसका कार्यकाल माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में जो चुनाव आयुक्त है उस वो क्षेत्रीय या नई राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देता है। तो वर्तमान में 7 आपके राष्ट्रीय स्तर के दल हैं, 24 क्षेत्रीय दल हैं, और गैर मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दल 2044 हैं। तो इस तरह से इन सभी को मान्यता कौन देता है? आपका चुनाव आयुक्त देता है। कौन है वर्तमान में? सुनील अरोड़ा। तो नेक्स्ट देखें क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मंगोल का प्रथम शासक कौन था? तो स्टूडेंट्स, मंगोल का प्रथम शासक था चंगेज़ खान। चंगेज़ खान जो है, मंगोल स्टूडेंट्स देश है एक चीन और रूस के बीच में पड़ता है, ये मध्य एशिया में पड़ता है। तो वहाँ पर उसका प्रथम शासक कौन था? चंगेज़ खान था, जो कि 1206 से 1227 तक वहाँ गद्दी पर रहा। और मध्य एशिया में इसका बहुत ही विशाल साम्राज्य था भाई, बहुत ही विशाल साम्राज्य था किसका? चंगेज़ खान का। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन कहता है, नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ से संबंधित था? तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस से संबंधित था। फ्रांस स्टूडेंट्स यूरोप महाद्वीप का देश है, और इसकी राजधानी जो है वो पेरिस है। तो वहाँ से संबंधित था नेपोलियन बोनापार्ट, और इसका जन्म जो है वो फ्रांस के एजेंकियो शहर में इसका जन्म होता है। फ्रांस के एजेंकियो शहर में 15 अगस्त 1769 को इसका जन्म होता है। यह एक सैनिक के तौर पर सेना में आया था, बाद में धीरे धीरे अपनी कुशलता के कारण से नेपोलियन बोनापार्ट आगे बढ़े थे। नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है, इसरो का पिता किसको कहा जाता है? स्टूडेंट्स, विक्रम साराभाई को इसरो का पिता कहा जाता है। इसरो का मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु में है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। और इसरो के बारे में बता दें आपको स्टूडेंट्स, यह भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का फुल फॉर्म है, पूर्ण रूप है। और इसकी स्थापना की यदि मैं बात करूँ तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है। और स्टूडेंट्स, अंतरिक्ष से संबंधित जितनी गतिविधियां हैं भारत में इसरो के द्वारा होती हैं, यह आपको ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु में, के सिवन इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? के सिवन इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट देखें भाई क्या कहता है,
प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो स्टूडेंट्स प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 1914 से 1918 के मध्य प्रथम विश्व युद्ध होता है, और दुनिया इस युद्ध में दो गुटों में बट गई थी, एक तो धुरी राष्ट्र एक मित्र राष्ट्र। ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या के कारण से इस युद्ध की शुरुआत हुई थी, तो ये हम पहले करवा चुके हैं इसके बारे में। दूसरा क्वेश्चन कहता है विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति, विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, वर्ल्ड की पूछी है, तो ये है स्टूडेंट्स मेरियो एसोबेल। मेरियो एसोबेल जो है वो विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति थी, जो अर्जेंटीना देश की थी। अर्जेंटीना स्टूडेंट्स बता दें मांस निर्यातक, जो मांस निर्यातक देश है अर्जेंटीना, और यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है। नेक्स्ट देखें वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण का उद्देश्य क्या है, तो जानवरों की सुरक्षा। आसान क्वेश्चन है, जानवरों की सुरक्षा के लिए वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित किए जाते हैं। हरियाणा की चर्चा करें तो हरियाणा में भी स्टूडेंट्स 8 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, तो जानवरों की सुरक्षा के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट देखें आगरा स्थित है, आगरा स्टूडेंट्स यमुना नदी के किनारे स्थित है और ताजमहल के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आगरा जो है वो ताजमहल के कारण से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, यमुना नदी के किनारे है। ताजमहल के बारे में मैं आपको काफ़ी क्वेश्चन पहले करवा चुका हूँ, एक बार रिपीट कर लेते हैं। ताजमहल किसने बनवाया था, शाहजहाँ ने बनवाया था, किसकी याद में बनवाया था, तो ताजमहल स्टूडेंट्स मुमताज़ महल की याद में बनवाया गया था। कई बार पूछता है कि मुमताज़ महल का बचपन का नाम क्या था, तो अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज़ महल का बचपन का नाम था, जो शाहजहाँ के 14वें बच्चे को जन्म देते समय एक्सपायर हुई थी। शाहजहाँ के 14वें बच्चे को जन्म देते समय उसकी मृत्यु प्रसव पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु जो है हो गई थी, और वो एक विडो थी स्टूडेंट्स, उसकी याद में ताजमहल बना है। वास्तुकार कौन थे ताजमहल के, ताजमहल के वास्तुकार थे उस्ताद ईसा खां और अब्दुल अहमद लाहौरी। अब्दुल अहमद लाहौरी जो है ताजमहल के वास्तुकार थे। पत्थर कहाँ से मंगवाया गया था ताजमहल को बनवाने के लिए, तो ताजमहल को बनवाने के लिए पत्थर स्टूडेंट्स मकराना राजस्थान से मंगवाया गया था, सफ़ेद संगमरमर से यह बना हुआ है। तो काफ़ी क्वेश्चन है, पहले रिपीट भी करवा चुके हैं। नेक्स्ट देखें भारत की कोयले की राजधानी कौन सी है, तो भारत की कोयले की राजधानी है धनबाद। धनबाद स्टूडेंट्स जो है वो आपका झारखंड में स्थित है, यहाँ खनन अनुसंधान केंद्र भी है धनबाद में, कोयला अधिक मात्रा में पाया जाता है यहाँ पे, खाने अधिक है, और झारखंड 2000 में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट देखें जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया, तो शेरशाह सूरी ने। वैसे तो ये रोड बता दें आपको मौर्य काल से ही चला आ रहा है, कलकत्ता से लाहौर तक यह जाता है, लेकिन इसको सिस्टमेटिक ढंग से शेरशाह सूरी ने बनवाया था। और शेरशाह सूरी स्टूडेंट्स 1540 से 1545 तक भारत की गद्दी पर रहे थे, और सूर्यवंश के यह संस्थापक थे, सूर्यवंश के संस्थापक थे शेरशाह सूरी। तो ये था स्टूडेंट्स, अब साइंस वाला पोर्शन हम करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, कहता है कि इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग, इसको स्टूडेंट्स हम मधुमेह बोलते हैं, मधुमेह, मधुमेह बोलते हैं, इसको शुगर की बीमारी भी कहा जाता है, शुगर की बीमारी, शुगर की बीमारी भी इसको कहा जाता है, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है ये स्टूडेंट्स। इंसुलिन जो है ये पेंक्रियाज से रिलीज होता है, पेंक्रियाज, पेंक्रियाज में बीटा सेल होती हैं, बीटा सेल, बीटा सेल से यह रिलीज होता है, और यह ग्लूकोज को संतुलित करता है, ग्लूकोज का संतुलन बनाता है। यदि बीटा सेल में से इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में नहीं रिलीज होगा तो स्टूडेंट्स ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसको मधुमेह या शुगर की बीमारी कहा जाता है। प्रश्न आता है इंसुलिन हमारे शरीर में कहाँ से रिलीज होता है, तो पेंक्रियाज से रिलीज होता है। पेंक्रियाज स्टूडेंट्स बता दें इंटरनल और एक्सटर्नल सीक्रेशन की लार्जेस्ट ग्लैंड्स है, दोनों प्रकार के स्त्रावण की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो हमारे शरीर में पेंक्रियाज है, और उसमें बीटा सेल जो है वो ग्लूकोज का निर्धारण करती है। नेक्स्ट देखें प्रकाश एक है, तो प्रकाश स्टूडेंट्स एक है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा का रूप है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। और दूसरा हम बता दें इसके बारे में विद्युत चुंबकीय विकिरण है, प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण है। कितने समय में पृथ्वी पर आता है यह, तो स्टूडेंट्स 8 मिनट 16 सेकंड या 500 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है। जनरेटर से हमें क्या प्राप्त होता है स्टूडेंट्स,
विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। जनरेटर एक ऐसी युक्ति है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। जनरेटर जो है एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो हमें जनरेटर से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट, एनीमिया रोग का संबंध है, तो ऑप्शन के अनुसार स्टूडेंट्स एनीमिया रोग का संबंध किससे है, रक्त से है। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, अरक्तता की बीमारी होती है, अरक्तता या अल्परक्तता या खून की कमी हो जाए तो हम कहेंगे एनीमिया की बीमारी होती है। दूसरा, यदि अधिकता हो जाए, एक बीमारी और होती है यहाँ से, पॉलीसाइथेनिया। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो रक्त अधिक हो जाता है, रक्त जो हो अधिक हो जाता है, अधिक रक्त हो जाना। अब ये अधिक कितना होता है स्टूडेंट्स, ये वजन का 7% होना चाहिए भाई, वजन का सात प्रतिशत रक्त होना चाहिए, या लगभग 5 लीटर रक्त होना चाहिए। कम हो जाएगा तो एनीमिया की बीमारी है, ज़्यादा हो जाएगा तो पॉलीसाइथेनिया की बीमारी है, यानी कि एनीमिया की बीमारी का संबंध रक्त से है। दूसरा कहता है ओजोन का प्रतीक है, तो ओजोन का प्रतीक स्टूडेंट्स O3 है। ओजोन 3 ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बनता है, O3 इसका प्रतीक है, और 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और इसकी मोटाई किस में मापी जाती है, डाबसन में, ओजोन की मोटाई जो है वो डाबसन में मापी जाती है। नेक्स्ट है, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है, तो तारों के टिमटिमाने का कारण है स्टूडेंट्स प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन से तारे टिमटिमाते हैं। अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो स्टूडेंट्स अपनी दिशा से विचलित हो जाता है, भटक जाता है, इसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, और यही चीज़ तारों के टिमटिमाने का कारण बनती है। नेक्स्ट देखें क्या कहता है, मानव में गुण सूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो मानव में गुण सूत्रों की संख्या होती है 46, यदि जोड़े पूछ ले तो 23 जोड़े गुण सूत्र होते हैं, 23 जोड़े। इन 23 जोड़ों में से कई बार प्रश्न आता है कौन सा जोड़ा लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है, तो स्टूडेंट्स 23वां जोड़ा जो है वो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है, तुरंत ऊर्जा देने वाला स्रोत है, तो स्टूडेंट्स ग्लूकोज जो है तुरंत एनर्जी देता है आदमी को, तुरंत ऊर्जा इससे मिलती है। और हमारे रक्त में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होता है, ग्लूकोज के ही रूप में हमारे रक्त में कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट देखें क्या कहता है, वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो वयस्क मनुष्य में स्टूडेंट्स 32 दांतों की संख्या होती है। इसमें सथाई पूछ ले कई बार, सथाई दांतों की संख्या कितनी है, तो स्टूडेंट सथाई दांत जो है वो 32 हैं, और अस्थाई पूछ ले जो आरंभ में आते हैं वो स्टूडेंट्स 20 हैं। इनको दूध के दांत भी कहा जाता है। दांतों के प्रकार बता दें, 4 प्रकार के दांत होते हैं स्टूडेंट्स, 4 प्रकार के दांत होते हैं। एक तो होता है मोलर प्रीमोलर, कैनाइन होते हैं, और एक इंसीजर। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं, कुल संख्या 32 होती है। सताई दांतों की संख्या 32 और अस्थाई दांतों की संख्या 20। इनको दूध के दांत भी कहा जाता है, अर्थात 20 दांत एक बार आने के बाद में टूट जाएंगे और दोबारा से आएंगे। नेक्स्ट देखें, प्रकाश संश्लेषण या इसको फोटोसेंथेसिस भी बोलते हैं, फोटोसेंथेसिस भी इसको कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण को फोटोसिंथेसिस भी कहा जाता है। कौन सी गैस निकलती है, तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस यूज होती है, CO2 गैस यूज होती है, तो CO2 गैस इन और O2 गैस आउट, ये आपको ध्यान रखना है प्रकाश संश्लेषण में। नेक्स्ट देखें, दिशा बताने वाला यंत्र क्या होता है, तो स्टूडेंट्स कंपास। दिशा बताने वाले यंत्र को कंपास कहते हैं, और सबसे पहले चीन के लोगों ने इसका प्रयोग किया था। चीन के लोगों ने
ने प्रयोग किया, इसको यूटिलाइज किया था, बनाया था, यूज किया था। नेक्स्ट है सर्वाधिक कैल्शियम होता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें स्टूडेंट्स बताना है सर्वाधिक कैल्शियम की मात्रा दूध में होती है। फोन का आविष्कार किसने किया, फोन का आविष्कार स्टूडेंट्स बता दें ग्राहम बेल, ग्राहम बेल ने जो है फोन का आविष्कार किया था। शुद्ध जल होता है, तो ऑप्शन के अनुसार शुद्ध जल स्टूडेंट्स जो है वर्षा का होता है, शुद्ध जल किसका होता है, वर्षा का होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें आपको एक क्वेश्चन और रह जाता है, उसके बारे में भी इस यहाँ एक्सप्लेन कर देते हैं। एक तो देखिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आया है इसमें अभ्यास प्रश्न पत्र में कि मिश्रित धातु पीतल, मिश्रित धातु पीतल किस किस का मिश्रण होता है। तो ये मुख्य रूप से पांच हैं जो आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं, ये सारे के सारे परसेंटेज और किस किस धातु का मिश्रण होता है ये नोट डाउन किया है। तो देखें पीतल, पीतल में स्टूडेंट्स तांबा 70% होता है, जिंक 30% होता है, कांसा, कांसे की चर्चा करें तो तांबा 88% होता है और टीन जो है वो 12% होता है। गन मेटल में तांबा जो है 88%, टीन 10%, जिंक जो है वो 2% होता है। यहाँ जिंक 2 से 4 और टीन जो है आपका 8 से 10 भी मिल सकता है आपको। रोल्ड गोल्ड में तांबा जो है वो 90% होता है, एल्यूमिनियम जो है वो 10% होता है। नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर, तांबा इसमें 50%, जिंक जो है 35% और भाई आपका इसमें ये टीन होता है स्टूडेंट्स इसमें जर्मन सिल्वर में आपका 15% इसमें आपका निकल होता है भाई, निकल टीन नहीं निकल होता है। तो ये इस तरह से आपका कुछ एक मिश्रित धातुएं थी। एक धातु जो है वो आपके पेपर में ज़रूर आ जाती है, एक मिश्रित धातु की किस किस का अनुपात होती है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका प्रश्न पत्र नंबर 7। और यदि आपको पसंद आ रहा है चैनल, लेक्चर समझ में आ रहा है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सागर क्लासेज रोहतक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद स्टूडेंट्स, जय भारत, जय हिंद।